देखते हैं सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पिछले सितंबर के मुकाबले और जून के मुकाबले कैसे रहे। सितंबर 2019 में रेवेन्यू था, जून क्वार्टर में रेवेन्यू था, सितंबर 2020 में रेवेन्यू है, सितंबर 2019 में एक्सपेंस थे, जून क्वार्टर में एक्सपेंस थे, सितंबर 2020 में एक्सपेंस है। पिछले सितंबर के कंपैरिजन में इनकम घटी, जून के कंपैरिजन में इनकम बढ़ी, पिछले सितंबर के कंपैरिजन में एक्सपेंस घटे, जून के कंपैरिजन में एक्सपेंस बढ़े। पिछले सितंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जून क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, सितंबर 2020 में प्रॉफिट है। पिछले सितंबर में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था, जून में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था, सितंबर 2020 में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। पिछले सितंबर के मुकाबले प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटा, जून के मुकाबले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा, पिछले सितंबर के मुकाबले कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़ा, जून के मुकाबले कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़ा। कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। 2020 में किसका परफॉर्मेंस बेटर रहा, ये शेयर का या निफ्टी का? यह है पिछले एक महीने का रिटर्न, यह है दो महीने का रिटर्न, यह है तीन महीने का रिटर्न, यह है छह महीने का रिटर्न और यह है पिछले नौ महीने का रिटर्न। थैंक यू।